एक शख्स जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहा 4 साढ़े 4 साल, और 4 साढ़े 4 साल में जो मुल्क के हर शोबे की तबाही की, रोटी हो, बिजली हो, गैस हो, मईशत हो, माशरा हो, मईशत हो, सब की तबाही करके 4 साढ़े 4 साल मुल्क पे मुसल्लत रह के, और जिस वक़्त उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक आई नेशनल असेंबली के अंदर, तो नालायक ना अहल ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और उस कागज़ को कहा कि उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश कर दी है, और कागज़ लहराया और कहा कि ये वो कागज़ है जिसको साइफ़र कहते हैं, और इस कागज़ को लहरा कर उसने कहा कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी है, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर दी है। और फिर वो चलते 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 बाजवा साहब पे पहुंची, जिनको बंद कमरे में एक्सटेंशन की ऑफ़र की, फिर चलते 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 मोहसिन नकवी साहब पर पहुंच गई, और फिर नवाज़ शरीफ साहब पर जाती थी कभी कि उन्होंने कर दी, फिर शहबाज़ शरीफ साहब जाती, मतलब वो रूट अपने बदलती रही साजिश, और फिर बंद कमरे में उस कागज़ के बारे में अपने कैबिनेट मेंबर्स के सामने कहा कि इसके साथ खेलना है, इसके साथ सियासत करनी है। इतना संगीन मसला, सीक्रेसी एक्ट का मसला, और क्योंकि उस साइफर में कुछ नहीं था इसलिए वो बंद लिफाफा लहराया गया। अगर उस साइफर में साजिश होती तो जो भांड था, जो लाडला था, जिसको 2018 में 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के वोट का आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया गया था, उस वक़्त वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाकर उसको जेल में डाला गया 2018 के इलेक्शन में, उस 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया, उस 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर फारग किया गया, और इस लाडले को आरटीएस को बिठाना पड़ा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ को वोट दे रही थी और फिर आरटीएस को बिठाना पड़ा इसको वोट दिलवाने के लिए, वोट को चोरी करने के लिए, इलेक्शन को चोरी करने के लिए। और वो शख्स जिस वक़्त उसके ख़िलाफ़ अदम तहरीक आई तो साइफ़र का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असम्बली तोड़ी, अपने वज़रा के ज़रिए आइन तोड़वाया, लॉ मिनिस्टर के ज़रिए आइन तोड़ाया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ज़रिए आइन तोड़ाया, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, डेप्टी स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम है? ये मासूम शख्स है जिसको मासूम कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया, और 14 दिन के अंदर वोटिंग होती है अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद आ जाए किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और ये आइनी तरीका होता है, ये किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश नहीं होती, ये आपके आइन में दर्ज तरीके अदम एतमाद होती है जो कि आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उसके सिटिंग मेंबर्स कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट वोट दे सकते हैं, ये किसी किस्म की साजिश नहीं होती। और उसके बाद आप कागज़ लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पर लगा दो, सीक्रेसी एक्ट के पड़खच्चे। और अगर उसमें कुछ था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, 2 सारी क्यादत बैठी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी, उन सब, एक इसके दौर में हुई, वज़ीर आज़म था, इसने वो कमेटी चेयर की, इस मासूम आदमी ने वो कमेटी चेयर की, क्योंकि अंदर कमरे में इस साइफर के साथ खेलने का हुक्म दे के आया था काबीना के मेम्बर्स को, इसीलिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चेयर की तो कह देता ना, पढ़ के सुनाता आवाम को, पढ़ के सुनाता कि इस साइफर में ये लिखा है और ये मेरे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है। आप वज़ीर आज़म थे, सारी आपके पास ताकत थी, उस कुर्सी की ताकत थी, उस मनसब की ताकत थी, रियासती ताकत थी, आप पढ़ के सुनाते हैं आवाम को कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, ये मासूमियत है? तुम मुल्क के साथ खेल खेलो, तुम मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोज़गार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो, तुम मासूम हो? तुम 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा, जैसे साइफर का बंद लिफाफा था ना, बंद कागज़ था, इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो? तुम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो?
और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला दे, तो मैं इलेक्शन कमीशन के कहो बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी फैमिलीज नहीं बाहर निकल सकती, तुम्हें अदालत बुलाए तुम कहो ओए जेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मासूम हो। तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, ये मासूम है। तुम 9 मई को एम्बुलेंसेस जला दो, तुम रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियां जला दो, तुम जमान पाक के अंदर बैठ के पेट्रोल बम की प्रेपरेशन में नौजवानों को अंदर ट्रेनिंग दो, तरबियत दो, तुम मासूम हो। तुम हस्पताल जला दो, स्कूल जला दो, मस्जिद जला दो, तुम मासूम हो। तुम जिना हाउस जला दो, उसके ऊपर हमला आवर हो जाओ, तुम मेट्रो जला दो और कहो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मुझे पता ही नहीं था कि लॉन्ग मार्च नहीं करनी, और मासूम, ये मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुलजिम जाता है, मुजरिम जाता है, तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। पिछले जजेस के दरवाजे से मर्सिडीज में बिठाकर मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। तोशाखाना की खाना काबा की घड़ी बेच दे तो मासूम है। उसके बाद ज़कात का पैसा खा जाए, उसको हाउसिंग सोसाइटी में लगा दे तो मासूम है। हीरे जवाहरात बटोर ले, अलकादे ट्रस्ट बना ले एज अ बेनिफिशरी तो मासूम है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है, बड़ी बात है जी। जिसको सिसिलियन माफिया गॉड फादर सियासी दहशत गर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो मासूम है। और उसके बाद जो इस मुल्क की मईशत के साथ किया, जो इस मुल्क की अवाम की नौकरी के साथ किया, रोजी के साथ किया, मुल्क को महंगाई में धौंस दिया, मुल्क की तरक्की को मनफी सतह के ऊपर ले गया, वो मुल्क जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर तरक्की कर रहा था, ये मासूम है। लोगों के घरों में दवाइयों के पैसे नहीं छोड़े, लोगों के घरों में बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं छोड़े, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं छोड़े, ये मासूम है। जिसने 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने थे, वो वादे करता हुआ ये नौकरियां, लोगों की लगी लगाई नौकरियां भी खत्म करके चला गया। 4-4.5 साल अंडे मुर्गियां कट्टे बेचता रहा, ये मासूम है। मतलब कि एक मैं जैसे मैंने पहले कहा कि 2018 में लाडला आरटीएस बैठा दो, जो जमात जीत रही है उसके वोट को चोरी करके डाका डाल दो, मासूम है जी, लाडला है। आज वही चीज, भाई आपने साइफर की चोरी की है, आपने साइफर की साजिश का मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई की है, अब वो कैपिटल हिल का फैसला आपने सुन लिया ट्रंप का, जो जहां कानून होता है वहां ब्लैक लॉ डिक्शनरी को इस्तेमाल करके मुंतखब वजीर आजम को हटाया नहीं जाता, वहां इस तरह के मुजरिमों को सजा मिलती है जो रियासत के ऊपर हमला आवर होते हैं, ये मासूम है। मतलब कि ये मासूमियत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। पहले कहते थे नलायक है, ना अहल है, उसके बाद चोरी सामने आई तो मासूम है। साइफर का ड्रामा सामने आया, भाई आइन तोड़ दिया, असेंबली तोड़ दी, वुजरा से तुड़वा दी, स्पीकर से आइन शिकनी करवाई, तो वो मासूमियत का लिबादा उड़वा दिया। भाई जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो, ये अवाम पागल समझा हुआ है, ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, 23-24 करोड़ अवाम, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 3 दफ़ा का मुंतखब वजीर आजम बेटी का हाथ पकड़ के केस शुरू होने से पहले भी मुल्क वापस आया नवाज शरीफ, जब पैनामा का ड्रामा किया गया, फ्रिवलेस एप्लीकेशन को डस्टबिन से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया और कहो मेरे पास आओ लेकर आओ ये एप्लीकेशन, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर, वो लंदन में थे, केस शुरू होने से पहले भी वो पाकिस्तान वापस आए। जब उनकी अहलिया बीमार हुई वो यूके में थे, सजा सुनने के बाद मुल्क की तारीख में अगर कोई शख्स, और वो सजा जो झूठे मुकदमात, भोंडे मुकदमात जिनका हाई कोर्ट के अंदर जनाजा निकला, जिन मुकदमात का
एक घंटे के अंदर फैसले आए, क्योंकि ये थे उस वक्त संदूक जाते थे सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त हीरों की JIT बनती थी, उस वक्त मॉनिटरिंग जज लगते थे, एक दफ़ तीन दफ़ा के आज वो साइफर का साजिशी गद्दार, 190 मिलियन का डाका। आप बताएं ना कि जिस शख्स, जिस वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, झूठे मुकदमे बना रहे थे, उस इल्ज़ामात में, उन मुकदमात में, उन JIT की रिपोर्ट पे, उन केसेस में, उन रेफरेंसेस के ऊपर भी नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उस उन संदूक जो आते थे सुप्रीम कोर्ट, जो तमाशा और तमस्कर उड़ाया जाता था, उन संदूकों के अंदर भी एक कागज़ के ऊपर एक लफ्ज़ का इल्ज़ाम करप्शन का नहीं है, आज तक नहीं है। वो शख्स जो दो दफ़ा वज़ीर आला रहा हो और तीन दफ़ा वज़ीर आज़म रहकर मुल्क के पैसे को अमानत के तौर पर खर्च का हो, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। आज सबूत सामने है, बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन जाता है, साइफर साजिश बन जाती है जिसको कमरे में कहा जाता है, वो ऑडियो लीक्स आ गए जिसमें कह रहा है कि खेलना नहीं है, वो मासूम है। वाह, तो मैंने पहले जैसे कहा कि 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान की आवाम इजाज़त नहीं देगी। अगर नवाज शरीफ तीन दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म झूठे मुकदमात पर रोज़ाना की पेशियां भुगत सकता है, हर अदालत में पेश हो सकता है, वो भी रखने डाल सकता था उनको, जब वो 2017 में वज़ीर आज़म थे, वो JIT में ना पेश होते तो मुल्क का कानून कहता था कि उनको एमनेस्टी है, वो नहीं जा सकते, वो गए और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, किसी का बच्चा नहीं छोड़ा, किसी की बहन नहीं छोड़ी, किसी का भाई नहीं छोड़ा, किसी का पॉलिटिकल वर्कर नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी क़यादत 2018 में जेलों में डाल दी। उस वक़्त तो मासूमियत का सर्टिफिकेट किसी को याद नहीं आया कि मुल्क का वज़ीर आज़म था यार, करप्शन साबित नहीं हो रही, जो फ्लैगशिप का फैसला नैप कोर्ट ने दिया उसके अंदर लिखा है कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई करप्शन का शायबा भी नहीं मिला, तमाशा बना लिए। फिर आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये अवाम पाकिस्तान की देख रही है और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक शख्स जेल में है, उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको अपना जवाब देना पड़ेगा और ये अवाम का पैसा है, इससे अल कादिर ट्रस्ट नहीं बन सकता था, ये अवाम का पैसा है, इससे 5 कैरेट की अंगूठी नहीं ली जा सकती थी। ये साइफर का मामला मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर असर अंदाज होना है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कराना है और एंड में मासूमियत क्या है? 9 मई का पूछो तो मेरे कारकुनों ने कराया था, वो उसका पूछो बंद लफाफे का, वो जो 190 मिलियन पाउंड का है, तो काबीना का फैसला था। मतलब कि यार भाई, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लतीफ़ सब कुछ देख रहा है, ठीक है ना, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो आवाम है 22-23 करोड़ की, वो अब अंडे कट्टे मुर्गियाँ के झांसे में और 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के झांसों में नहीं आएगी। वो कितना कहा था कि पैसा आएगा बाहर से करप्शन का? 200 अरब, 250 अरब, ये 250 अरब खुद खा के भाग गया। ये अब आवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। आज आवाम को सस्ती रोटी चाहिए, आज आवाम को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, नौकरी चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। आज आवाम ये चाहती है कि उनके घर में मुफ्त दवाई उसी तरह आए जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में आती थी। आज आवाम चाहती है उसको सस्ती बिजली, सस्ती गैस उसी तरह मिले जैसे नवाज शरीफ के दौर में मिलती थी। आज आवाम ये चाहती है कि उनके घर में उसी तरह इलाज घर तक पहुँचे, यूथ प्रोग्राम हो। आज नौजवान ये चाहता है कि जब उसके हाथ में डिग्री हो तो उसके हाथ में रोज़गार हो जैसे 2013 से लेकर 2018 तक हुआ था। यही मुल्क था, 5-6 साल पहले की बात है, तरक्की 6.1 पे थी, महंगाई 2.4 पे थी,
नौकरी थी, सीपैक था, दहशतगर्दी का खात्मा था, 14,000 मेगावाट बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, घर में दवाई के पैसे थे, मुफ्त दवाई थी पंजाब में, ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, मेट्रोज बन रही थी, सड़कें बन रही थी, अस्पताल बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज बन रही थी, स्कूल बन रहे थे, आईएमएफ का खात्मा हो चुका था मुल्क से, फैटफ की वाइट लिस्ट पे आ चुके थे हम। यही मुल्क, और यही मुल्क, इसी तरह का तरक्की करता मुल्क पाकिस्तान दोबारा, पाकिस्तान की आवाम दोबारा चाहती है, और उनको इस बात पे यकीन है कि इस ये पाकिस्तान जिसमें आटा सस्ता हो, रोटी सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, जिसके अंदर रोज़गार हो, जिसके अंदर खुशहाली हो, जिसके अंदर तमीज़ तहजीब हो, रवायात हो, गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहजीबी ना हो, किसी का गला पकड़ लो, किसी को गर्दन से पकड़ कर उतार लो, किसी का एसी उतार दूंगा, किसी को मार दो, किसी को गिरा दो, किसी पे बम फेंक दो, पुलिस की गाड़ियां जल रही हों, सड़कें जल रही हों, ये नहीं चाहती पाकिस्तान की आवाम। अब बस हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम इस तरह के जो लोग इन मनसब पे बैठ के, उन कुर्सियों पे बैठ के दूसरों पे झूठे इल्ज़ाम लगा के खुद डाके डालते हैं, इनका एहसाब और इनका एहतसाब चाहती है पाकिस्तान की आवाम। जी मैं फिर भी ये बताइएगा कि ये साइफर बड़ा ओपन एंड शट केस था, लेकिन कल जो रिमार्क्स आए सामने उसके बाद क्या हवाओं ने, ऐसा नहीं लगता हवाओं का रुख फिर एक दफा मुखालिफ हो गया, फिर क्या लाडले की सहूलतकारी की जा रही है? देखिए ये उस वक्त होता है जिस वक्त लाडला हार रहा होता है, वरना इन कामों की जरूरत नहीं पड़ती। ये RTSP तब बैठता है जब लाडले की हार नजर आ रही होती है, जब मासूम की हार नज़र आ रही होती है। ये जो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, और ऐसी ये मैं एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की आवाम जाग रही है, बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया तमाशा, आज लोग परेशानी में, आज लोग मुश्किल में, आज लोगों के घरों में परेशानी है, और आज लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए वो आवाज़, वो क़यादत आए जो मुल्क को इन मुश्किलात से निकाले। और जब ये यकीन होने लगता है कि वो जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो नवाज शरीफ को चाहती है, वो शहबाज शरीफ को चाहती है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहती है, जिसके पास टीम भी है, जिसके पास नियत भी है, जिसके पास तजर्बा भी है, और जो इस पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना जानती है, और उसने कुछ कभी किया ही नहीं जब भी इक्तदार में आई, तो ये तमाशा जो है ये नहीं अब चल सकता। ये सर्टिफिकेट जो है, इन सर्टिफिकेटों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सब जानती है और जाग भी रही है। मेरे साथ ये फरमाएगा कि 2018 में सब जानते हैं कि कौन किसका लाडला था, अभी आपने उसको मासूम का खिताब दिया है। मैंने दिया आपने जी 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 ये बताएगा कि उस वक्त वो लाडला था, हमें अंदाजा है कि कौन उसको ला रहा था, आज उस मासूम को कौन ला रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों ये फैसले आए थे इलेक्शन के हवाले से, ये चीखें इसलिए निकलती हैं, आपने अच्छा सवाल किया, ये चीखें इसलिए निकलती हैं क्योंकि ना आज वो लोग अपने ओहदों पे हैं, ना उस किस्म की सहूलतकारी मैसर है, और ये इस उसी वक्त इस किस्म के काम होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहले वाला वक्त, ये 2018 नहीं है, ये 2023 है, और 2024 में 8 फरवरी को इंशाल्लाह शेर पे वोट देकर पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करेगी कि उनको किस किस्म की क़यादत चाहिए पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, कल तक मुस्लिम लीग नून जो थी वो अंडर प्रेशर थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, पकड़ दकड़ हो रही थी, दबाव था, आज PTI पर वही वक्त है जो आप पर था, ये कभी खुशी कभी गम, पाकिस्तान की सियासत इस गर्दाब से कब निकलेगी? ये देखें, ये आप जब इस तरह के सवाल करते हैं तो मेरे ख्याल में आप नाइंसाफ़ी करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप दोनों चीज़ों का मुआजना करते हैं तो उस मुआजने में आप ये भूल जाते हैं कि वो थी ज़्यादती, वो थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक के केस में जवाब दिया था, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, वो झूठे मुकदमात जो कोर्टों ने फैसले दे देकर मेरिट की बुनियाद पर उन लोगों को बरी किया। आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हो रहा है, आज जो हिसाब किताब हो रहा है वो साइफर केस के मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कर दो और उसके साथ खेलो और उसका जवाब भी ना दो, कि आज उसका फ़ैसला हो रहा है, आज फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है, आप जवाब दे दें, हमने नहीं दिए, हमने भी आज भी, मैं वो 6 जनवरी को केस लगा हुआ है उस अदालत का, दहशतगर्दी की अदालत का,
जो मेरे ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा हुआ, मैं मतलब कि मैंने तो नहीं 9 मई की थी, मैं वहाँ पेशियाँ भुगतती हूँ रोज़ जाकर, जहाँ ना जाऊँ तो वारंट आ जाते हैं गिरफ्तारी की। अच्छा, तो वो क्यों ना जवाब दे, मैं जितनी शहरी हूँ वो भी इतना ही शहरी है, और मैंने उस मनसब पर बैठ कर मुल्क को नहीं लूटा, उसने उस मनसब पर बैठ के मुल्क को लूटा है, मुल्क के खिलाफ साजिश की है। ये मासूमियत के सर्टिफिकेट देने से ये चीजें नहीं बदल सकती। मैडम आप एक तरफ तो कह रही कि अब मासूम पहले लाडला बनाकर लाया गया, अब मासूम बनाकर, तो दूसरी तरफ आप ये जवाब ये कह रही हैं कि अब वो वाले लोग जो हैं वो जो लाडला बनाकर लाए थे वो नहीं है, तो फिर ये मैंने ये नहीं कह रही लाया जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा लाया जा रहा है, मैंने कहा लाने की कोशिश की जा रही है जो नाकाम है। जरा वो थोड़ा सा एलैबोरेट उसको कर दे कि कौन कर रहा है ये कोशिश, अब तो वो लोग भी नहीं है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहानी दी आपको, वो लोग कौन है, वो अदलिया है या कोई? देखिए जहां से भी मैं आपको वाजिया तौर पर बताना चाहती हूँ, मैं वाजिया तौर पर बताना चाहती हूँ कि जहां से भी मुल्क के मुजरिम को जहाँ से भी बचाने की कोशिश की जाएगी ये ज्यादती है। आपके खिलाफ एक मुझ पे अगर इल्ज़ाम लगा है दहशतगर्दी का, मुझ पे पर्चा हुआ दहशतगर्दी का, तो मैं अदालत जाती हूँ ना, वहाँ जवाब देती हूँ, जज के आगे खड़ी होती हूँ। तो अगर मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ और मुझ पे जब ये इल्ज़ाम लगता है तो मैं जाती हूँ। नवाज शरीफ मुल्क का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था, पूरी दुनिया को पता था झूठ है, अकामे में नाम नहीं है, फास्ट ट्रैक के ऊपर केसेस चलते थे, JIT बनती थी, सब कुछ पता था, अदालत जाते थे, पेश होते थे, बेटी के साथ पेश होते थे, पूरी क्यादत, शहबाज शरीफ साहब, साफ पानी, गंदा नाला, मैं तो केसों के नाम ही भूल गई हूँ अब जितने केसेस बने थे, वो 36 पत्ते, 56 कंपनियाँ, कभी छब्बी हो जाती हैं सन, मतलब कि देखे ना पूरी मजाक का वो आलम था। तो ये जो मैंने ये नहीं कहा कि ये, मैंने ये कहा है कि अब जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा वो वोट से बनेगा, और अवाम इस फ़र्क को जान चुकी है कि जिसने उनकी रोटी महंगी की है, गैस बिजली दवाई महंगी की है, नौकरियां छीनी है, रोज़गार छीना है, मुल्क की तरक्की छीनी है, उसको वोट नहीं मिलेगा। ये बताइएगा कि पहले एक हवा चली थी कि आज पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो ताखीर का, मजीद ताखीर का शिकार होंगे, कल के 2 फैसलों के बाद, 2 डेवलपमेंट्स के बाद दोबारा से ये हवा जो चलने लगे कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर 8 फरवरी से मजीद डिले किए जा सकते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते के लिए हो चाहे 6 माह के लिए, तो क्या आपको इलेक्शन 8 फरवरी को होते नज़र आ रहे हैं? देखें इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह, और अगर मुस्लिम लीग और वाहिद मुस्लिम लीग नून की जमात है जो अभी अपना पार्लियामेंट्री प्रोसेस टिकट्स देने का मुकम्मल कर चुकी है, ऑलमोस्ट एक डिवीज़न रह गई है, लाहौर डिवीज़न है ना, और बाकी सारे रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड शुरू होता है, 5 बजे शाम को 6 बजे ख़त्म होता है, मैनिफेस्टो की तैयारी है, गहमा गहमी स्टार्ट हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्टी के अंदर जो इंतजामात होते हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह अभी टिकट्स की अनाउंसमेंट्स होंगी नॉमिनेशन पेपर्स के बाद, वो इलेक्शन लड़ेंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। बशर्ते कि आप ऐनक पहन के सवाल करें। बुशरा बीबी, मैडम बुशरा बीबी के जो वकील है लतीफ खोसा, पहले उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, अच्छा फिर उसके बाद साकिब निसार जो है उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, और दोनों केसों के अंदर ये हुआ कि पुलिस जो है खुद मुद्दई बन गई, मुद्दई का पर्चा जो है दर्ज नहीं हुआ, ये आप ही समझते हैं कि इस तरह की ये कौन करा रहे हैं इसके बैठक ऊपर? ये तो पंजाब हुकूमत को आप पूछे या पुलिस को, मैं तो उसका कोई ताल्लुक नहीं, हम तो अभी इस वक्त तो हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान को लाया गया था पूरी सपोर्ट थी, आरटीएस बिठाया गया, उसी तरह लग रहा है कि नवाज शरीफ को भी लाडला बनाकर लाया गया है, आखिरकार ये कौन है जो लाडला? अच्छा बड़ा अच्छा लाडला है कि 3 दिन पहले भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठ के अपने जवाब दे रहा था, बड़ा अच्छा लाडला है, 1999 के बाद इलेक्शन 1-2013 का लड़ने की इजाज़त मिली। ये देखें ये परसेप्शंस क्रिएट की जाती हैं और मस्नूई तौर पे बनाई जाती हैं, और अवाम को एक उस नैरेटिव के अंदर कन्फ्यूज़ किया जाता है, और हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान की अवाम ये अब फैसला करेगी कि ये इस किस्म के लाडले मुसल्लत करके उनके मुल्क की तरक्की नहीं छीनी जा सकती। 8 फरवरी को इलेक्शन में जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा आप कह रहे हैं कि वोट से बनेगा, नून लीग उसको तस्लीम करेगी या उसे भी कोई मासूमाना फैसला करार देगी? दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि 8 फरवरी का एक इबाम सा पैदा हो रहा है दोबारा, तो इस बात को मुस्लिम लीग नून अगर कोई इस तरह का बनता है सिनेरियो के डिले की तरफ जाता है तो मुस्लिम लीग नून अगर किसी ने 8 फरवरी को डिले होने की
ये कन्फ्यूजन फैलाई है, और ये एक जो आपने अभी वर्ड यूज़ किया था कि अगर ये अभाम फैलाया है कि या, तो वो पीटीआई ख़ुद थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी पिटिशन गई थी, ठीक है। ये फैलाने ये करते ऐसे हैं, ये बैकडोर खेलना है, बैकडोर एक्सटेंशन ले लो, बैकडोर ये कर लो, ये जान बूझ के इस किस्म की हरकतें करते हैं ताकि मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन आए, अफरा तफरी फैले और इस किस्म के फैसले किए जाएँ। ये इनकी हरकतें ये भी आवाम जानती है। अगर किसी ने डिले करने की कोशिश की है, डिले कराने की अभाम पैदा की है, और अगर कोई चाहती है कि इलेक्शन डिले हो तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। बस हो गया ना, बिल्कुल। आप भी तस्लीम करेंगे। मैडम, आपकी इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं समझाऊं वो ये है कि कल का जो अदालत का फैसला आया है वानी के पीटीआई के हवाले से, उसी हवाले से है। देखिए, फैसले को मानना या ना मानना ये हमारा आइनी और कानूनी हक होता है। जब फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, उसके ऊपर हमारा मानना या ना मानना वो हम हक भी रखते हैं। और जिस वक्त हमने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा जब सिसिलियन माफिया गॉड फादर के सर्टिफिकेट दिए गए। अदालतों का एहतराम तो हम करते हैं, लेकिन हमें तो कभी गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक नहीं कहा गया। तो ये फैसला जब भी आएगा जिसके अंदर ये तासुर जाएगा कि वो फैसला बायस है, वो फैसला पब्लिक डोमेन में क्रिटिसाइज भी होता है और उसके ऊपर तनकीद रखने का हक भी हम रखते हैं। जी बस ही वो नहीं, एक में वो ताहियात ना अहली वाली एक चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नवाज शरीफ की हुई थी 2 जनवरी को, शायद उसके लिए अखबार में इश्तहार भी दिया गया, तो जामे जवाब जमा करवाएगी मुस्लिम लीग नून मियां? वो हमारी लीगल टीम फैसला करेगी। फिलहाल मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे।